देख सकते हो भाई, इतना लोग छोड़ने के लिए हमारी बुआ को आया हुआ है भाई। हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे। आज 2 बजे इसलिए शुरुआत हो रही है ना, आज मैं जाने वाला हूँ अपने बुआ जी के घर बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली काम तो ऐसा है कि उन्हें पहुँचाना है। अब आपको पता होगा कि आज से बहुत दिन पहले ही हमारी बुआ आई थी, मान के चलो 1 महीना से भी ऊपर हो गया। आज उनको जाना है पहुंचाने, और आज भाग ऐसा है कि भाई धूप हुआ है, मतलब मेरी नसीब ऐसी है कि आज धूप हुआ है जिसमें भाई मेरे को ले जाने में ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी भाई मेरे पैरों में इतना ठंड लग गया है ना, मेरी जो उंगलियाँ हैं पैर की भाई बहुत मोटी मोटी हो रखी हैं। आज मेरे को ले जाना है बुआ के घर पहुँचा के, और फिर कल कल के डेट में आना है, आज की डेट में नहीं आना है। वो भी जाना है पता है किस चीज़ से, मेरे को जाना है बल्कि ई रिक्शा से। आप लोगों को तो पता ही होगा बाइक है, बट कुछ सामान वामान लेके जाना है, तो नेक्स्ट लेवल का वजन हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे ई रिक्शा को ले जाना पड़ेगा। तो अभी मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ, मेरे साथ मेरी भांजी बैठी थी, बट इसको पता नहीं क्यों ब्लॉग बनाते हैं, रिएक्शन अलग ही लेवल का रहता है। अब देखो मेरे पास से उठ के यहाँ पे बैठ गए। ये लो हमारी टोटो भी आ चुकी है, तो अब लेकर चलेंगे अपने बुआ को बुआ जी के घर। ये रही हमारी ई रिक्शा, थोड़ा पोछ दबा हो तो। गाइस मैं अभी जुगाड़ कर रहा हूँ अपने चार्जर का एंड पावर बैंक का, क्योंकि भाई कहीं पे भी समस्या आ जाती है, कभी बिजली बिगड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है कहीं पे भी, तो इसीलिए पावर बैंक, चार्जर, टाटा केबल, ईयरफोन, बहुत सारा चीज मेरे को लेकर जाना होता है। कैप हो गया, ये रहा कैप, और बहुत सारी चीजों का जो है कि बंदोबस्त करते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। अपने जो बुआ है ना भाई, वो तो भाई पूरा इमोशनल ही हो गई भाई, अब क्या ही बताऊं मैं। तो वो तो बुआ भी चली गई है, सब लोग घर की लोग पहुंचाने के लिए बागीचा था, और मेरी टोटो यहाँ पे खड़ी है भाई। देखो पहले तो 2 टायर लेकर जा रहे हैं भैंस वैंस को खिलाने के लिए, उसमें नाद रखना है, आपको पता ही होंगे गाँव वाँव में सब चलता है, जो हमारे नाद के नीचे वहाँ पे लगा हुआ है टायर, और कुछ सामान है, तो अभी चाचा के घर पे भी कुछ सामान है, ठीक है इसके अंदर, और चारों तरफ से पैक, मतलब 2 तरफ से पैक कर दिए हैं, पीछे उधर से और इधर से पैक कर दिए हैं, और चलिए चलते हैं। देख सकते हो भाई, इतना लोग छोड़ने के लिए हमारी बुआ को आया हुआ है भाई। हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है, किसी भी महिला को पहुँचाने के लिए इतना इतना सारा इतना ज़्यादा महिला आती हैं पहुँचाने के लिए। यहाँ पे गुड्डू भी हैं, हमारा भाई भी सब आया था पहुँचाने के लिए, देखो। और अब चलते हैं सीधा बुआ जी के घर पे मिलेंगे। फिलहाल अभी जस्ट बुआ के घर पहुंच रहा हूं। ये देखो यहां पे मेरे को चिल्लर पार्टी सब मिल गया। अभी पहले तो सामान उतारना है, गाड़ी अभी खड़ी है, उतारा लो उतारा लो। टिपकानी बा, टिपकानी उतारा, टिपकानी सामने, टिपकानी बा। अभी का सीन जो देख रहे हैं ना, ये बुआ जी के घर का बाहर का सीन है, बट ये सुबह का है। हाँ भाई, ब्लॉगिंग करना वहां पे नॉट इम्पॉसिबल। आप लोगों को ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई वहां पे नर्वसनेस का सीन बहुत तगड़ा रहता है, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं किया, और मैं सीधा जा रहा हूँ घर अभी इस टाइम पे। कैसा दिखाई दे रहा, भयंकर वाला कैसा है। इसी कैसे में जा रहा हूँ मैं घर, ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है हाथ में, ज्यादातर कहीं नहीं हाथ में बहुत ठंडा लग रहा है। देखिए आप लोग खुद देखिए क्या मौसम हो रखा है। तो हाँ जी गाइज, फिलहाल मैं आ चुका हूँ गाइज अपने घर पे। इस टाइम भाई दिन के 10:30 बज रहे हैं, और मैं सुबह के 6:30 बजे अपने बुआ के घर से निकल गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो रात में पहुंचा था, उसके बाद वहां पे ब्लॉग वगैरह करना भाई मुझे नहीं सही लग रहा था, क्योंकि भाई उन लोगों को अलग अजीब लगने लगता है, जो अनकंफर्टेबल फील होने लग रहा है उसके यहाँ ब्लॉग करना भाई सही नहीं है। तो इस टाइम पे
ठंड ठंड से भाई बचते बचते आया हूँ घर पे। ठंड तो इतना लग गया भाई कि क्या बोलूँ। यहाँ पे देखो आग के सामने मैं हाथ को सेक रहा हूँ, बहुत ठंड लग गया था, हाथ तो मेरा फूल गया था भाई पूरा अच्छे से। अभी ग्लव्स वगैरह लेकर आया हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ, आपको बताऊंगा। तो गाइज यार मैं फिलहाल फिर से जा रहा हूँ अपनी टोटो को लेकर, पता है किस जगह लेकर जा रहा हूँ। इस टाइम पे मैं लेकर जा रहा हूँ एक लड़की है जिसको शादी वादी के लिए थोड़ा दिखाई वखाई का काम करना है, आपको पता होगा ना। सबसे पहले लड़की को लड़के के पास ले जाकर दिखाया जाता है, पसंद है तो उसमें मेरे को अपनी टोटो लेकर जाना है लड़की को बैठाकर, और देखो कहाँ तक लेके जाना मुझे नहीं पता। तो अब मैं दूसरे दिन जा रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं साइकिल से जा रहा हूँ अपने रोड पे, वहाँ से पापा लेके आ रहे हैं उनके घर, वहाँ उनके घर से पापा लेके आ रहे हैं और फिर मैं लेकर जाऊँगा। तो हाँ जी फिलहाल तो भाई मैं लड़की लोगों को दिखवाने के लिए लाया था, बट अभी भाई शाम के 3 बज रहे हैं और इस टाइम पे पीछे लड़की और लड़के लोग जो होते हैं ना वो अपना काम कर रहे हैं। मैं बस यहाँ पे देख सकते हैं एक मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर के पास हूँ और यहाँ पे बड़ा सा पोखरा है। ये बलिया जिला की तरफ यानी कि हम नगरा में है, नगरा से जस्ट 500 मीटर दूरी पे है नगरा, जो चट्टी है उस चट्टी से। और ये काली माता का पुराना मंदिर है, यहाँ पे आए थे हम लोग और लगता है कि भाई बहुत टाइम हो जाएंगे, शाम हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद है मेरे को पर्सनली। तो देखिए क्या होता है भाई, वैसे तो क्या ही बताएं, मज़ा नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। वो पैसेंजर मिलते हैं ना जिन्हें छोड़कर तुरंत आना होता है तो थोड़ा सही लगता है, लेकिन ये इस वाले में थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है, बस पर्सनली अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप सबको। तो हाँ जी भैया मैं फिलहाल घर पे आ चुका हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा जैसे मैंने ब्लॉग को जब स्टार्ट किया था तो बुआ को ले जाने के लिए उस ब्लॉग में सारा कुछ दिखाने के लिए भाई स्टार्ट किया था, बट हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे नर्वसनेस बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए भाई वहाँ पे ब्लॉग नहीं किए। और अब वैसे भी आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ बीते महीनों में एक भैया थे तो वही एक्सपायर हो गए, जिनके वजह से बहुत ज़्यादा वैसे भी सुनसान लगता है भाई वो जगह जो बुआ का घर है, इसके वजह से ब्लॉग मतलब ना ही किया तो अच्छा है। तो भैया उसके बाद आने के बाद सुबह निकले 6:30 बजे 7:30 बजे और फिर सुबह 7:30 बजे निकल गए अपने घर के लिए, और घर आने के बाद भाई इतना ठंड लग गया था ना भाई कि मतलब क्या ही बोले। और फिर रिजर्व मिल गया तो फिर वहाँ जाना पड़ा, फिर अब मैं इस टाइम पे घर पे पहुँचा हूँ, बट ठंडा बहुत हाथों में लगा हुआ है। तो खैर आज की इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर कोई भी गलती हुई होगी मुझसे उसके लिए खेद है आप लोगों से कि क्षमा करिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।